छत्तीसगढ़ न्यूज अपडेट में स्वागत है दोस्तों। तो इस समय की बड़ी खबर सामने आई है। मदद के लिए बुलाकर किया दुष्कर्म, पत्नी मायके गई तो रिश्तेदार महिला को घर में छोड़ गई, पति करता रहा मनमानी, फिर कैसे पकड़ा गया जानिए। छत्तीसगढ़ के कोंडा गांव जिले के पुलिस ने दुष्कर्म के आरोपी युवक को ओडिशा के सरहदी क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि पीड़िता ने 2 अप्रैल को थाना बड़े डोंगर में आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कराई थी। पीड़िता की शिकायत के मुताबिक वर्ष 2021 में उसके पति के परिवार के सदस्य की पत्नी अपने घर रहने बुलाई और बोला कि वो काम से कांकेर जा रही है, 2 दिन घर आकर रहना, बच्चों के लिए टिफिन और खाना बनाकर खिला देना। इसके बाद पीड़िता 2 दिन के लिए उसके घर गई थी। पहली ही रात दोनों बच्चों के सोने के बाद अचानक पीड़िता के कमरे में आकर आरोपी ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता ने बताया कि अगले रात भी उसके मना करने के बाद भी आरोपी ने दुष्कर्म किया। उसी वर्ष पुनः आरोपी की पत्नी अपने मायके रांधना गई थी, तब भी पीड़िता बच्चों के लिए खाना बनाने उसके घर गई थी। उस समय भी आरोपी ने पीड़िता के साथ रेप किया और घर वालों को बताने पर उसे जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद पीड़िता ने इसकी शिकायत थाने में दर्ज कराई। इस घटना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने टीम गठित कर आरोपी की तलाश की जा रही थी। इस दौरान पुलिस को आरोपी युवक के ओडिशा के सरहदी क्षेत्र में होने की सूचना मिली, तब पुलिस ने वहां पहुंचकर आरोपी युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।